हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं सब? सब बच्चे अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन की। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। वर्ड प्रॉब्लम से हमें जो हम ये सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, कैरी फॉरवर्ड, तो उनको हम यूज़ कैसे करते हैं एक्चुअल में, दैट वी अंडरस्टैंड। तो लेट्स स्टार्ट। आज क्या डे है? टुडे इज 28 सितंबर 2020 और डे क्या है? मंडे। वेरी गुड। सो मैं आपको ये वर्क सेंड करूंगी जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। बट वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लीकेशन की हैं, कैसे करेंगे उसके लिए लेट अस सी। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब हमें बोलो कि एक बॉक्स में 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और 5 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स होंगी? सेम टाइप के बॉक्सेस हैं, सब में 4 4 चॉकलेट्स हैं, तो फिर हमने क्या करना है? वी डू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हमको पता है, इट इज़ रिपीटेड एडिशन। आप 4 का टेबल या 2 का टेबल हम करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6। तो वो क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। लेकिन बार बार एडिशन तो हम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं। टू ओवरकम दिस व्हाट वी डू मल्टीप्लीकेशन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वेश्चन है कि 1 बॉक्स में 4 चॉकलेट्स हैं तो 3 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स होंगी? तो अभी अगर नंबर ऑफ थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, एक बॉक्स में भी 4 थिंग्स हैं, दूसरे बॉक्स में भी 4 चॉकलेट्स हैं, तीसरे बॉक्स में भी 4 चॉकलेट्स हैं, तो क्या करेंगे हम? तो हमको टोटल चॉकलेट्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो इफ 1 बॉक्स हैज 4 चॉकलेट्स, 1 2 3 4, तो 3 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? तो हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ बीड्स हैं, जैसे 3 into 4 12, ठीक है। सो ऐसे हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। जब हमको ये पता करना है कि हर एक बॉक्स में सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स हैं तो सारे बॉक्स में कितना सारा सामान है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमको बोलो कि 1 पॉट हैज़ 5 फ्लावर्स, तो 4 पॉट्स में कितने फ्लावर्स होंगे? या तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 5 प्लस इसको फिर से 5 ऐड कर देंगे, फिर से 5 ऐड कर देंगे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उससे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसमें 5 हैं, प्लस ये 5 कर दिया, प्लस ये भी 5 कर दिया, प्लस ये भी 5 कर दिया, तो हमारा आंसर जो है, बार बार हम प्लस 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 करेंगे तो वो बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होती है। वही हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने पॉट्स हैं, 1 2 3 4, एक पॉट में कितने फ्लावर्स हैं, 5, तो हमने क्या करना है, हमने कर देनी है मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। ओके, तो ये होती है मल्टीप्लीकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है, इसका मेन यही होना चाहिए थिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर कि हर एक बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोल रहे हैं कि 1 बैग हैज़ 4 बीड्स, सेकेंड बैग हैज़ 3 बीड्स, तो टोटल बीड्स कितने हैं? फिर क्या होगा, वो तो एडिशन हो जाएगा, उसमें हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। हर एक बॉक्स में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ थिंग्स होने चाहिए, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम जब हम करते हैं तो उसमें हमारे स्टेप्स होते हैं। पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी जैसे ये है, 1 बॉक्स हैज 4 बीड्स, यहाँ पे है जैसे 1 बॉक्स हैज 4 बीड्स, 1 2 3 4, हाउ मेनी बीड्स विल बी देयर इन 3 बॉक्सेस, तो 3 बॉक्स में कितने बीड्स होंगे? हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि 1 बॉक्स हैज 1 बॉक्स 4 बीड्स,
थ्री बॉक्सेस में कितने बीड्स होंगे? थ्री बॉक्सेस इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा? थ्री फोर जा, वेरी गुड, 12. तो यहाँ पे भी आप काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो जब हमारे सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी है तो हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ऑलराइट, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. सेकंड थिंग और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्राइंग बनाओ. जो आपको क्वेश्चन दिया है उसकी अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, अभी जैसे ये बॉक्सेस वाली ड्राइंग है. अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वन पॉट हैज 5 फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 4 पॉट्स? तो वन पॉट में कितने फ्लावर्स हैं? 5 फ्लावर्स हैं. तो 4 पॉट्स में कितने फ्लावर्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 4 पॉट्स. तो यहाँ पे पहले हमने नोट करना है हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है. वन पॉट कितने फ्लावर्स हैं? वेरी गुड, 5 फ्लावर्स. तो 4 पॉट्स में कितने फ्लावर्स होंगे? 4 पॉट्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 4. तो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे. कितना आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आ गया 4, 5 20 फ्लावर्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 फ्लावर्स. तो आप काउंट करके भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो सबसे अच्छा है जब आप सॉल्व कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन के सम्स, तो आपने क्या करना है, आपने फोटो भी ड्रॉ करनी है. ठीक है, नहीं तो आपसे मिस हो जाएगी कोई इन्फॉर्मेशन. तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सब आप इस पे लिखते जाओ. अभी नेक्स्ट क्या है, वन नोटबुक है 7 पेजेस. ठीक है, एक नोटबुक के 7 पेजेस हैं. हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर इन 5 नोटबुक्स? फिर से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वन नोटबुक में कितने पेजेस हैं? वन नोटबुक 7 पेजेस. 5 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे? 5 नोटबुक्स मल्टीप्लाइड. ठीक है, तो हमारे आंसर आ जाएगा कि सारे 5 नोटबुक्स में कितने पेजेस हैं. ठीक है, तो सब हर एक पर इसमें ये होता है कि हर एक नोटबुक में 7 पेजेस ही होने चाहिए. ठीक है, तो ये हम ऐसे वी अंडरस्टैंड कि हर एक बुक नोटबुक जो है उसमें 7 पेजेस ही होंगे. ये नहीं है कि एक नोटबुक में 7 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 15 है. ऐसे में तो फिर हमने क्या करना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, इन दैट केस वी विल डू एडिशन. बट अगर सेम क्वांटिटी है हर एक बॉक्स में, पॉट में, बैग में, बुक्स में, तो क्या करेंगे हम? वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, देन वी विल डू एडिशन. ठीक है, तो आप ये वीडियो देखो, क्लास में भी हमने किया है. ओके, तो अच्छे से अंडरस्टैंड द वीडियो. कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल. ओके, बाय.